हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो है आपके क्रश की, आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, जो भी आपके क्रश हैं। ठीक है, आपको किसी पे क्रश है तो कोई भी वो पर्सन हो सकता है, मैरिड हो सकता है, अनमैरिड हो सकता है, आपका पर्सन हो सकता है, आपका पास्ट पर्सन हो सकता है, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फ्रेंड भी। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो, टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे रेजोनेट करेगी, जितना रेजोनेट करता है उतना रखना। बाकी को जाने दें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टा का आई डी है tarot313, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, एंड इसी चैनल के अबाउट में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम का भी और मेरे ई मेल का भी। सो पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ई मेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी, अपने क्रश पर अपना फोकस रखिए, जो भी आपका क्रश है उनकी करंट एनर्जी देखेंगे पहले, ठीक है, और फिर देखेंगे उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। सो डिवाइन गाइड करें, जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके क्रश की, उनके लिए क्या एनर्जी है, मेरे व्यूवर्स के क्रश इस टाइम किस एनर्जी में है और क्या फील कर रहे हैं उनके लिए, मेरे व्यूवर्स के क्रश की इस टाइम करंटली क्या एनर्जी है। ओके, सो दो कार्ड हमारे पास आ चुके हैं, नंबर 20 एनवी एंड 47 द थिंकिंग वीमेन। सो आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट है, टू नंबर इंपॉर्टेंट है एंड 11 नंबर इंपॉर्टेंट है। 11 वन प्लस वन टू, सो डेफिनेटली आपके लिए 22 222 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपके इस कनेक्शन में बैलेंस की ज़रूरत है, और ये जिस पर्सन पे आपको क्रश है, डेफिनेटली गाइस ये पर्सन जो है इस टाइम अपनी लाइफ में बैलेंस हो रहा है, ठीक है, आपके साथ हारमनी चाहता है, बैलेंस चाहता है इस कनेक्शन में, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ओके, हो सकता है आपके इस कनेक्शन पे किसी की कोई जेलस होते हैं लोग, या किसी की बुरी नज़र है डेफिनेटली, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा इस पर्सन से, यहाँ सेपरेशन है, तो डेफिनेटली किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से है। यहाँ पे कोई लोगों किसी लोगों का आपके इस कनेक्शन पे गंदी नज़र है, बुरी नज़र है, ईवल आइज है, लोग आपसे हसद करते हैं, लोग आपसे जेलस होते हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, सो ये पर्सन इस एनर्जी में है। हो सकता है कुछ लोगों के क्रश उनसे जेलस होते हों, आपसे जेलस होते हों, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेटल हो, इस चीज़ से भी ये पर्सन जेलस हो सकता है, दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेके। द थिंकिंग वीमेन का कार्ड है, स्पेशली आप मेल, अगर फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये लेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रही है। यहाँ पे इसने बुक पकड़ी हुई है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ देख रही है और सोच रही है कि आपकी तरफ कैसे आया जाए। एंड अगेन यहाँ पे हमारे पास 11 नंबर है, कॉर्नोकोपिया का कार्ड, ठीक है गाइज, आपके लिए 222 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, सो डेफिनेटली ये अब आपकी लाइफ में बैलेंस करके, आपके साथ ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहा है, और इस टाइम कॉर्नोकोपिया काफ़ी ज़्यादा अपनी फाइनेंशियल इश्यूज पे काम कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास बटरफ्लाई है, जो बटरफ्लाई इज़ द सिंबल ऑफ चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन से आपके ये क्रश और आप दोनों ही गुजर रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है इस टाइम सोच रहा है आपके इस कनेक्शन को लेके, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है थिंकिंग की। ओके, एंड टॉप ऑफ द डेक है जर्नी। यस, डेफिनेटली ड्यूरिंग किसी ट्रैवल के आप लोग इस पर्सन से मिल सकते हो, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, ठीक है, बिजनेस के रिलेटेड इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बाहर जाना पड़ता है, बट आपके लिए 222 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 11 है, आपका ये पर्सन सोलमेट है एंड ट्विन फ्लेम है, ठीक है। चलिए आप यहाँ से देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो क्रश हैं, मेरे व्यूवर्स को जिन पे क्रश है, जो मेरे व्यूवर्स के क्रश हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के क्रश के उनके लिए करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे कार्ड है 4 of Swords, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 5 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जस्टिस, लिब्रा एंड 3 of Cups, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आई नीड सम मोर कार्ड्स, मेरे व्यूवर्स के क्रश की उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस हैं। नेक्स्ट वी हैव द सन, लियो, 9 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्ट्रेंथ, लियो। ये लियो यहाँ पे गाइस बहुत हैवी है स्टार साइन, 3 of Swords, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड 9 of Cups एंड 4 of Cups। डेफिनेटली आपका इस पर्सन से ये जिस जो भी आपका ये क्रश है, आपकी बात इस पर्सन से नहीं होती, डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है गाइस, ठीक है। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, जैसे ये जो आपका क्रश है इसने आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया है पास्ट में, या आपने इसका रिजेक्ट किया या इसने रिजेक्ट किया, बट डेफिनेटली ये पर्सन इस टाइम काफ़ी सैड है। ये पर्सन फील कर रहा है कि इसने आपका प्रपोजल रिजेक्ट करके, या आप लोगों से नो कॉन्टैक्ट करके, सेपरेशन करके, ब्रेकअप करके बहुत बुरा किया है, और अब इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे इसने अपॉर्चुनिटी कोई मिस कर दी है, दैट्स वाई ये पर्सन अब अपनी विश फुलफिलमेंट करना चाहता है और आपके साथ रियूनियन करना चाहता है।
इस टाइम अगेन यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है जो हमें बताता है ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा गाइस सोच रहा है, और डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है या ये पर्सन किसी और से मैरिड है, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे ये पर्सन किसी और से मैरिड है। ओके स्पेशली मुझे लग रहा है यहाँ पे, यस मैं ये नहीं कहूँगी कि मदर है, यहाँ पे मुझे ये क्लियर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन किसी और से मैरिड है, जिस पर्सन पे आपको क्रश है उसने छोड़ के आपको किसी और को चूज़ कर लिया है। बट डेफिनेटली अब ये पर्सन जो है आपकी तरफ वापस आना चाहता है, पॉसिबिलिटी का वेट कर रहा है कि किस तरह आपकी तरफ वापस आए, बिकॉज आप टोटली सिंगल हो, लॉन्ग टाइम से आप लोग सिंगल हो और अपने आप पे काम कर रहे हो, अपनी फाइनेंसिस पे, अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ पे, आपकी काफ़ी लग्जूरियस लाइफ है, दैट्स वाई ये पर्सन उस चीज़ की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है। इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में अब वापस आ रहा है, बिकॉज इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। ओके सो यहाँ पे मेजर अरकाना के हमारे पास स्ट्रेंथ है एंड लिब्रा है एंड यहाँ पे द सन है। डेफिनेटली ये पर्सन मेजरली अपनी पावर बना रहा है, बिकॉज ये पर्सन अब आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, और कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे थर्ड पार्टी से निकल के आपकी तरफ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज दे वॉन्ट टू मैरी यू। ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहता है, द सन सक्सेस चाहता है गाइज ये पर्सन इस रिलेशनशिप में, ये जिस पर्सन पर भी आपको क्रश है ये आपके पास आना चाहता है, बिकॉज पहले आप इस पर्सन को चेस कर रहे थे, ये रन कर रहा था, आप चेस कर रहे थे, बट डेफिनेटली अब आपने इस पर्सन को चेस छोड़ना छोड़ दिया है, चेस करना, बिकॉज आपने इस पर्सन को चेस करना छोड़ दिया है एंड आप लोग अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे, अपनी इंडिपेंडेंसी पे, अपनी मनी पे। सो इस वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा वो चीज़ हर्ट कर रही है, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ में है इस टाइम, बिकॉज थ्री ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, इस पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को भी धोखा मिल रहा है थर्ड पार्टी से, जिसको चूज़ किया है आपके ऊपर। ओब्वियसली इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, बट अब ये आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, ये पर्सन विश कर रहा है ताकि आपकी तरफ वापस आए, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करे, सेलिब्रेशन करे, आपसे मैरिज करे, ठीक है, बैलेंस करे इस रिलेशनशिप को जो ये पर्सन पास्ट में नहीं कर पाया, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन अपनी मैरिज से बाहर आ सकता है, बिकॉज हो सकता है वहाँ पर इस पर्सन का मुझे फील हो रहा है जैसे वहाँ पर इसका वो चल रहा है लाख का डिवोर्स केस चल रहा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे कार्ड्स यही बता रहे हैं वहाँ पे केस चल रहा है इसका, ये पर्सन वहाँ से पावर बना रहा है ताकि थर्ड पार्टी से ये पर्सन बाहर आ सके और आपकी तरफ वापस आ सके, बिकॉज ये पर्सन इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहता है बिकॉज इसकी बहुत बड़ी विश है। नाइन ऑफ कप्स, 99 की एनर्जी है, मतलब 999 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 999 नंबर इंपॉर्टेंट है, 222 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 333 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गैप्स बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है और बहुत स्पेसिफिक यहाँ पे साइंस है, बट एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है, तो डेफिनेटली ये गाइज आप लोगों की रीडिंग है, बट आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपसे रियूनियन करे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, और ये पर्सन भी काफ़ी सोच रहा है कि अब किस तरह आपकी तरफ आए आपके साथ, बिकॉज ये पर्सन हार्मनी चाहता है इस रिलेशनशिप में, बैलेंस चाहता है, और आपकी तरफ डेफिनेटली ये वापस आना चाहता है, बट ये मैरिड है किसी के साथ, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है डेफिनेटली ये पर्सन, इसने आपको थर्ड पार्टी में खुद डाला है, आपको छोड़ के गया है, आपको स्टिल इस पर्सन पे तब भी क्रश था और आपको अब भी इस पर्सन पे क्रश है। हो सकता है ये पर्सन आपका हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, इसने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया है, ठीक है, या आपका सेपरेशन मोड है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी हो सकता है, इट डजंट मीन, ज़रूरी नहीं है कि ये मैरिड ही हो, बट कुछ लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है मैरिड ही है, ठीक है। हो सकता है ये आपका हस्बैंड या वाइफ हो, इसने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया है, बट नाउ दे वांट टू अगेन रिकनसाइल, ये अब दोबारा आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है आपका क्रश। ओके सो मैं देख लेती हूँ इसका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। या सो रीडिंग काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लियर यहाँ पे मुझे कार्ड अपना आप खुद बता रहे हैं मेरे व्यूवर्स के क्रश का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। डिवाइन प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूवर्स के क्रश का नेक्स्ट एक्शन। यस ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है गाइस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, इस पर्सन को रात को सोने में भी प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज भी फेस कर रहा है, बिकॉज इसको गिल्ट है, इसने जो आपके साथ किया ना उस चीज़ का गिल्ट है, इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है और उस गिल्ट से आई थिंक फेड अप हो चुका है, वहाँ से निकलना चाहता है, बिकॉज जो आपको रिग्रेट होता है ना वो कहीं भी आपको सुकून नहीं लेने देता। डेफिनेटली टू ऑफ कप्स ये पर्सन आपसे रियूनियन करेगा गाइज, ये पर्सन इस डिप्रेशन इस एंजाइटी से बाहर आएगा, एंड टू ऑफ कप्स है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स में ये पर्सन आपसे रियूनियन कर सकता है, ये पर्सन आपको मैरिज का प्रपोजल देगा, दोबारा आपके साथ इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहता है, पार्टनरशिप करेगा ये पर्सन, ठीक है, बिकॉज ये आपसे टू ऑफ कप्स, यहाँ पे हमारे पास कार्ड होता है टू ऑफ कप्स का रियूनियन का कार्ड है, यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करता है और ये पर्सन आपका सोलमेट है, और कुछ लोगों का ये पर्सन डेस्टाइन पार्टनर है, बिकॉज लिब्रा एंड टू ऑफ कप्स हमारे पास है, द सन है हमारे पास थ्री ऑफ कप्स,
कुछ लोगों का ये पर्सन डेस्टाइन पार्टनर है, आपसे इस पर्सन का रीयूनियन और शादी होनी है, ठीक है। द चैरियट, यस, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, कम्युनिकेशन करेगा आपसे, ठीक है, और आपको प्रपोजल देगा कि इस पर्सन ने आपसे शादी करनी है, इंगेजमेंट करनी है, या इस कनेक्शन को हायर लेवल पे लेके जाना है, ठीक है। सो गाइज, दिस इज योर रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।